ओके जी, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक बुक जो हमने आपको प्रोवाइड की हुई है उसका पेज नंबर 92 है, क्वेश्चन नंबर 16 है। विक्स मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय एडिंग वाटर, स्टिरिंग एंड फिल्टरिंग। तो अगेन यहाँ पे नॉलेज है सॉलोबल सॉल्ट एंड इनसॉलोबल सॉल्ट का। तो बेरियम क्लोराइड भी सॉलोबल है, सोडियम क्लोराइड भी सॉलोबल है, दोनों सेपरेट नहीं हो सकते मिक्सअप करने से, क्योंकि दोनों पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे और सेपरेट नहीं हो पाएंगे। कॉपर एंड मैग्नीशियम बोथ आर मेटल्स, ठीक है, तो ये भी क्या करेंगे, पानी से रिएक्ट कर जाएगी मैग्नीशियम, कॉपर रिएक्ट भी नहीं करेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, तब भी दोनों सेपरेट नहीं हो पाएंगे। डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर इनसॉल्युबल, तो अगेन ये सेपरेट नहीं हो पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन डी बचता है। अकॉर्डिंगली सिल्वर क्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वेयर एज सोडियम नाइट्रेट इज सॉल्युबल। सो जैसे ही पानी ऐड करेंगे सोडियम नाइट्रेट डिजॉल्व हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड डिजॉल्व नहीं होगा, फिल्टर करने पर एज ए रेजिड्यू ये हमसे सेपरेट हो जाएगा और सोडियम नाइट्रेट एज अ फिल्ट्रेट आ जाएगा, ठीक है, यानी दोनों सेपरेट हो जाएंगे। 17 पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन एन एक्सपेरिमेंट रीड एज फॉलोज, क्विकली ऐड। अब यहाँ एक तो वर्ड क्विकली नज़र आ रहा है, दूसरा 50 भी है और डेसिमल वैल्यू भी नज़र नहीं आ रही, इट शोज़ कि हमें क्या चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर से हमारा काम चल जाएगा। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। कोनिकल फ्लास्क मेजरमेंट के लिए यूज़ नहीं होता, पिपेट और बेवरेट एक्यूरेट होते हैं और स्लो भी हैं, ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ एक्यूरेसी मेंशन ही नहीं है, तो इसलिए हम क्या सिलेक्ट करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। 18th क्वेश्चन में उसने डिफरेंट डायग्राम्स दे दिए हैं, दिस शोज द डिस्टिलेशन, दिस वन शोज क्रोमेटोग्राफी एंड दिस वन शोज फिल्ट्रेशन, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो है बी है, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन क्रोमेटोग्राफी है एंड फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कंपाउंड्स, इन विच टाइप ऑफ द सेपरेशन इज अ थर्मामीटर। तो हमें पता है कि क्रोमेटोग्राफी में कोई थर्मामीटर यूज नहीं करते, वेयर एज हम क्या करते हैं, जब डिस्टिलेशन होती है तो उसके अंदर हम क्या कुछ यूज़ करते हैं, थर्मामीटर यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द टू कलरलेस लिक्विड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 एन एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ द टू डाइज, अगेन क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक हमें नज़र आ रही है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि विच स्टेटमेंट अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट इज करेक्ट, तो हम क्या कह सकते हैं, द डाइज मस्ट डिफर इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। नो, क्रोमेटोग्राफी में सॉलिबिलिटी चेक हो रही होती है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, द डाइज मस्ट डिफर इन देयर सॉलिबिलिटीज इन द सॉल्वेंट, सो बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 अ सॉलिड मिक्सचर कंटेन्स एन आयनिक सॉल्ट एक्स एंड अ कोवेलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड वाई, अगेन अब उसने हमें एक मेथड दिखाया कि हमने क्या किया, शेक विद वाटर, पानी में मिक्स किया किसको, एक्स और वाई दोनों को, एज अ रिजल्ट एक्स और वाई दोनों सेपरेट हो चुके हैं, वाई एज अ रेजिड्यू और एक्स एज अ फिल्ट्रेट। जब हम क्या करते हैं, उसी सैंपल को लेके एथानॉल में डिजॉल्व कर रहे हैं, शेक कर रहे हैं, एंड देन उसके रिजल्ट में क्या हुआ, एक्स एज अ रेजिड्यू आ गया और वाई एज अ फिल्ट्रेट, यानी दोनों प्रोसेस में एक्स और वाई सेपरेट हो चुके हैं। इट मीन्स विच मैथड ऑफ सेपरेशन आर लाइकली टू वर्क, सो वी कैन से दैट कि कौन सा वर्क कर रहा है, दोनों के दोनों वर्क कर रहे हैं, ठीक है। 22 क्वेश्चन है द डायग्राम शोज द पेपर क्रोमेटोग्राम ऑफ फोर सब्सटांसेज डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी, और आपसे क्या पूछता है वो, विच टू सब्सटेंसेस आर प्योर। क्रोमेटोग्राम के ऊपर अगर हमें कोई एक स्पॉट मिल रहा है किसी सब्सटेंस का, देन इट मींस कि वो प्योर है। तो देखिए बेटा, जी का भी एक स्पॉट मिल रहा है और एक्स का भी एक स्पॉट मिल रहा है, तो इट मीन्स जी, एक्स एंड जी आर बोथ प्योर, डी विल बी द राइट आंसर।